जी करवा जी आज ही बात दिया बात बात नहीं बार बार नहीं हो जाता जी। आपके कर्मचारी ऐसे हैं जो से 200 रुपए में हमारे फ्यूज लगा जा ट्रांसफार्मर। इसी दौरान यहाँ पे जो थेफ्ट डिटेक्शन करके जैसे वो निकलने लगे तो इन लोगों ने यहाँ पे इनको बंधक बना लिया। मैं तो कोई भी पढ़ना बताना भी पानी पर आया मंडल पटानो गांव में चोरी हो रही थी चोरी पकड़ में आए थे यमुनानगर में बिजली चोरी की शिकायतें बढ़ने की वजह से विजिलेंस और बिजली विभाग की टीमें लगातार छापेमारी कर रही हैं। इसके लिए एक टीम मधार गांव पहुंची थी और कार्रवाई करने में जुटी ही थी कि गांव वालों ने मिलकर सभी का विरोध करना शुरू कर दिया। इसके बाद गांव के कुछ लोगों ने विजिलेंस विभाग के एसडीओ को ही बंधक बना लिया, जिसके बाद खुद बंधक बने एसडीओ ने पुलिस को फोन कर सूचना दी। हमारे को चोरियां नहीं पकड़ने दी इन्होंने, हमारे को घेर लिया, अभी हम चोरी नहीं, हम अंदर में गांव में नहीं घुसने, आप चले जाओ। तो बिजली के मीटर वगैरह भी उतारे थे सर? बिजली का एक उतारा था लेकिन उन्होंने बाहर से ले लिया वापस। तो अभी बंधक बनाया था आपको? बंधक बना लिया था, अभी हमारे को घेर लिया था लेकिन आपको गाँव में नहीं घुसने। तो पुलिस बुला लिया? सर मैंने पुलिस बुला ली थी भाई, पुलिस ने जो है फैसला ओपन कर ले। कितने लोगों के घर पे चोरी पकड़ी गई थी? अभी चोरी तो चार पांच घर ही चेक किए थे हमने, चार पांच चोरी पकड़ी थी। उसके बाद जो एक्शन साहब आ गए थे, डीएसपी साहब आ गए थे, वो जो फैसला लेंगे हम कर लेंगे। गांव वालों का क्या विरोध था? गांव वाले हम मीटर हमारे नहीं चेक करने, हम जो करना कर ले, हम अंदर नहीं घुसने देंगे गाँव में। मामले की सूचना मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, कई बड़े अधिकारी भी गांव वालों को समझाने में जुट गए, लेकिन गांव के लोग तुरंत समाधान का मांग करते रहे। गांव वालों की माने तो अचानक कर्मचारियों और अधिकारियों ने उनके घरों में घुसना और छतों पर चढ़ना शुरू कर दिया, जिसके बाद सभी ने मिलकर उनका विरोध किया और गांव से खदेड़ डाला। सवेरे 4 बजे आए ये, ना इनके साथ कोई सरपंच, ना कोई चौकीदार, ना कोई पंचायत का बंदा, ना इनके पास परमिशन, ये घर कैसे बढ़ के कांधे टप टप के। तो क्या कह रहे थे इनका, क्या रखा है? बोल रहे आपने ट्रैक्टर लगाई है, जब हमने इनको मीटर चेक करवा दिया है, मीटर चल रहा है, फिर भी तार निकाल के क्यों ले गए? मोटर चलाई सारा कुछ दिखाया इनका, पुलिस वाले बंदे ने भी कहा सर इनका मीटर चल रहा है, इनका कोई नहीं है, फिर भी तार निकाल के ले गए, क्या मतलब है ये? बेटा अंदर आ गए ना, मैंने इनको सत श्री अकाल बुलाई, मैं बोला भी हाँ जी, कहना आपका मीटर चल रहा है, आपका मीटर बंद है, आप ये कैसे डायरेक्ट तार लगा रखी है? हमने बोले भी डायरेक्ट नहीं लगाई है, आप चेक करो, बिल दिखाओ, हमारे को बिल दिखाए। चोरी पकड़ी? चोरी एक बात बताओ जी, मीटर जगमग योजना में तो मदार गाँव है रहा, मीटर तो रख रहे खंबे बा और चोरी हो रही, यो तो एक सरकार का षड्यंत्र है किसान आंदोलन को दबाने के लिए, और किसान को दबाने के लिए भी है, किसान यूनियन का योगदान ना कर सका आंदोलन के, आंदोलन को दबाने का एक सोची समझी चाल है ये। अब क्या चाह रहे हैं सर आप? हम तो ये चाह रहे जी, जो इसना जो ये कह रहे ना भी आप पाते चोरी पकड़ी हमने, वह दिखाई जा, उसके कागज दिखाए जा और वह वीडियो दिखाई जा, अगर इन्होंने वीडियो दिखाई मारते उसमें कुछ भी नहीं दिख रहा, स्पष्ट कुछ भी नहीं रहा। गाँव वालों का विरोध देख अधिकांश बिजली विभाग के अधिकारी और कर्मचारी एवं विजिलेंस के अधिकारी वहां से भागने में सफल हो गए, लेकिन एक एसडीओ गांव वालों के हत्थे चढ़ गया, जिसके बाद काफी देर तक अधिकारी गांव के लोगों के साथ पंचायत करते रहे। कोई किसी के साथ कोई दिक्कत होगी है या क्या होगा? मैं तो कोई भी पन्ना बिठाना भी पानी पर आया मंजा दिता उन्हों, मैं वो पलड़े आओ यार, तो जब बीमार होना नठिया क्यों है, जब बीमार होना नठिया क्यों है, फिर नठ गया आपको बताया उसने, ये पलड़ एसी साहब ने चाटो और कुछ एक दो बंदे और थे जो तीन चार गाड़ियाँ थी, प्राइवेट गाड़ी थी, वो ड्राइवर था कोई, कोई भी था, बीस बाईस आदमी थे। तो जब लोगों ने पूछा क्या हुआ कैसे हुआ, चार पाँच बजे की बात है, कोई धार निकाल रहा है, कोई सो रहा है, तो एक किसी छत को पर जा रहे हैं, किसी की दीवार फांद रहे हैं, किसी कोठे पे जड़ रहे हैं, ठीक है जी, ठीक है जी, लोगों ने हल्ला कर दिया। हाँ जी, हाँ जी, वो तो सारे गए भाग, अच्छा जी, एसडीओ भाग गया, हाँ जी, मुकेश जी भाग गया, हाँ जी, रंजीत भी भाग गया, हाँ जी, ये एसडीओ साहब है बीजेपी से चंडीगढ़, अच्छा जी, ये हमारे पास बैठे, ओ भाई थोड़ा आराम सुनो,
ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਆਜੀ ਬਾਤ ਆ ਬਾਦ ਬਾਦ ਨਹੀਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਪਰ ਨਹੀਂ ਆਜ ਕੇ ਕੋਈ ਕੱਲ ਕਾ ਟਾਈਮ ਥੋੜੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆਪ ਲੋਗੋ ਨਾ ਦਫਤਰ ਕਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਤੋ ਦੇ ਰਹੇ ਦਫਤਰ ਮੈਂ ਤੋ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਸੁਣ ਲੈ ਬਾਰੇ ਚਾਰ ਆਦਮੀ ਚਾਹੀਦੇ ਕੱਲ ਕਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਿਆ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਲੈ ਆ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਲੈ ਜੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਦੋਵੇਂ ਬੰਦੇ ਤਰਾ ਲਈਏ ਦਫਤਰ ਕਾ ਜੋ ਹੋਰੇ ਬੈਠ ਰਾਂਗੇ ਆਂ ਬੈਠੇ ਜੀ ਐਸਐਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਈ ਬੈਠੇ ਰਾਂਗੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਹੀ मौके पर पहुंचे बिजली निगम के एक्सईएन बिलासपुर नीरज कुमार व डीएसपी प्रमोद कुमार ने बताया कि मामले में कुछ केस चोरी के पकड़े गए थे जिसके बाद ग्रामीणों ने विरोध किया। उन्होंने कहा कि इस मामले में जो भी शिकायत आएगी कार्रवाई की जाएगी। वहीं एक्सईएन का कहना है कि जो केस पकड़े गए हैं उनमें नियम के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। मंदार गांव में रेड किया था जी, तो उसमें कुछ थेफ्ट केसेस डिटेक्ट हुए थे। उसके बाद स्टाफ के साथ इन्होंने बंधक बना लिया था, तो उसके लिए आए हुए हैं यहाँ पे ताकि मैटर रिजोल्व हो सके और हमारा स्टाफ जो यहाँ पे बंधक बना रखा है उसको निकाल सके। तो किस किस को बंधक बनाया सर, क्या मामला था पूरा बताएंगे? हमारी यहाँ पे विजिलेंस की टीम आई थी अम्बाला से जी, जिसमें 3 SDO थे और लोकल SDO था, तो 3-4 टीम्स थी, तो वो थेफ्ट डिटेक्शन का काम कर रहे थे यहाँ पे। तो उसी दौरान यहाँ पे जो थेफ्ट डिटेक्शन करके जैसे वो निकलने लगे तो इन्होंने यहाँ पे इनको बंधक बना लिया। छापेमारी की कार्रवाई करीब सुबह के 4 बजे की गई, जिस वक्त ज्यादातर लोग सो रहे थे। गांव के लोगों का कहना है कि कर्मचारियों को गांव के सरपंच या फिर चौकीदार को साथ लाना चाहिए था और छापेमारी के लिए परमिशन भी लेनी चाहिए थी। बहरहाल देखना होगा कि पुलिस और गांव वालों के बीच सहमति कैसे और कब तक बनती है। यमुनानगर से सुरेंद्र मेहता, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।